जबरदस्त पिक्चर है। अजय देवगन कैसे लगे परफॉर्म करते हुए? काम सबसे अच्छा उनका ही काम है। बाकी जो प्लेयर थे लोग जो काम की मूवी कर रहे हैं एकदम जबरदस्त, सबका रोल अच्छा है, सबका रोल अच्छा है। सबका दिल क्या छुआ सी मूवी में? पिक्चर में काफ़ी सारे इमोशनल सीन ऐसे दिखाए हैं जो मतलब स्पोर्ट्स रिलेटेड, हमारे इंडिया में हाँ थोड़ा अपने पॉलिटिशियन है उनको समझ में आना चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बढ़िया मूवी। क्या सर बढ़िया लगा? ये फुटबॉल के बारे में, फुटबॉल को हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम पसंद करते हैं फुटबॉल को, फुटबॉल को कुछ कम लोग ही खेलते हैं, ज़्यादातर इसका देखा नहीं मैं भी आज तक मैच, क्योंकि मैं भी एक फुटबॉल प्लेयर हूँ, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं देखने आया फिल्म। अजय देवगन कैसे लगे कोच? बहुत बढ़िया है। जो बाकी जो प्लेयर जो काम की मूवी कर रहे हैं कैसे लगे आपको? इसमें सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक अजय देवगन के ऊपर नहीं कर सकते, सब लोग प्लेयर लोग सभी के ऊपर है। म्यूजिक ज़्यादा नहीं, म्यूजिक के तो मैं नहीं देख रहा था, जो खेल हो रहा था मैं उसको देख रहा था। कितने स्टार मूवी? 5 स्टार। मुझे थोड़ा सा हाँ बोलिए। कैसी लगी सर मूवी आपको? मूवी काफ़ी अच्छी लगी, इसमें अजय देवगन का काफ़ी अच्छा रोल है एंड और इफ़ यू सी कि ये हमारी हिस्ट्री पे बेस्ड है और इसमें जो फुटबॉल का इन्होंने जो कवर किया हुआ हिस्ट्री काफ़ी अच्छा दिखाया हुआ है। आज के टाइम पे हमारे पास फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, हम मैं चाहता हूँ कि इससे कुछ सीख लिया जाए और फुटबॉल ग्राउंड्स बनाया जाए और अजय देवगन की काफ़ी अच्छी एक्टिंग है, काफ़ी सराहनीय है और बाकी जो प्लेयर काम की मूवी के अंदर हाँ मूवी में भी जो काफ़ी अच्छा इनका इतना नेगेटिविटी दिखा के भी इन्होंने मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो प्लेयर्स थे उस वक्त इतना नेगेटिविटी होने के बावजूद भी इतना पॉजिटिविटी काम किया हुआ है, हमारे पास फंड नहीं होते हुए भी हमने इतना कुछ परफॉर्म किया हुआ है, तो आज के टाइम पर हमारे पास तो सब कुछ अवेलेबल है, हम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ वेरी ग्रेट मूवी, सबको देखना चाहिए। कितना स्टार मूवी को 5 में से आप? 5 out of 5 आई कैन गिव टू दिस मूवी। थैंक यू। बहुत अच्छा है। विलेन तो बहुत अच्छा है लेकिन सबसे ज़्यादा जैके अपना टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की ये जोड़ी बहुत अच्छी है। बहुत सुपर सुपर मस्त फिल्म। अरे गाने भी अच्छे नहीं यार उसमें यार की। दोनों हीरो कैसे लगे आपको? हीरो मैं टाइगर श्रॉफ की वजह से गया था बस। एक्शन कैसे था मूवी का? एक्शन की तो है मगर मजा नहीं आया उसमें। क्या मजा नहीं आया? बर्बाद हुआ मतलब गाने भी ऐसे नहीं है उसमें, अच्छा गाने नहीं है। मैं इतना खास नहीं थी। क्या खास नहीं लगा अगर बात करें? मेन तो स्टोरी, मेन जो है ना स्टोरी, हाँ मेन वही पिक्चर को पकड़ के रखती है। ये पिक्चर में ऑल पूरा एक्शन ही भरा है, बस एक्शन ही भरा है, पूरा एक्शन है। अगर पृथ्वीराज की बात करें विलन जो बना, हाँ वो तो साउथ कैरेक्टर बेस्ट एक्टर है वो, हाँ काम का बहुत अच्छा है। बाकी आपको मजा नहीं आया मूवी का? नहीं नहीं जरा भी मजा नहीं आया। पहली बात मैं बोलूँ और मैं ट्रेलर पहले ही देख के समझ गया कि पिक्चर नहीं चलने वाली। मैं तो 2.5 दूंगा। ठीक है भाई, ओके ओके ओके। लिखी थी स्टोरी? स्टोरी थी ज़्यादा खास नहीं थी लेकिन बट थी, अच्छी स्टोरी थी उसकी। कुछ खास नहीं लगा? कुछ खास नहीं था लेकिन थी, अच्छी स्टोरी थी लेकिन अक्षय ने कुछ एक यूनिक किया है। बाकी टाइगर श्रॉफ का तो वही एक्टिंग थी जो पहली थी, वो भी आज भी है, वही आज कर रहा जो पहले कर रहा था, आज जो पहली कर रहे थे। बेस्ट चीज़ क्या लगा आपको? इसमें से बेस्ट चीज़ मेरे को ये लगा कि कुछ साइंटिस्ट कुछ लेख के एक नया आया है और जिसके अंदर से जो कॉलोन जो है उसको लेख कर एक नया टॉपिक बनाया है पिक्चर में, बस ओके एकदम अच्छी। विलन, हाँ विलन अच्छा है, मेरे को प्रभास जैसा दिख रहा था विलन, हाँ लेकिन अच्छा था। विलन की एक्टिंग बहुत अच्छी थी उसमें, विलन की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। 3.5। कुछ नहीं, एकदम बकवास है ना गाना है ना स्टोरी है, कुछ नहीं कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, बर्बाद ही है, टोटल बर्बाद है।